देखिए ये एक थ्रू आउट द बीम आ रहा है और दिस वन ये कॉलम पे जा रहा है एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द बीम। तो यहाँ क्या होता है, जब लास्ट पॉइंट पे आते हैं तो अपर जो ये बार है, अपर आउटर बार, एटलीस्ट कम से कम अपर आउटर बार तो भी डेवलपिंग लेंथ जितना बेंड होना चाहिए। ये देखिए ये बेंड होना चाहिए और ये नॉक हो जाता है। ये जब नॉक होता है तो यहाँ पे ये बीम फिक्स होता है। ये अगर ये आपका सपोर्ट अगर फिक्स हो गया, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप आपको जीरो मिलेगा, जिससे क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन होने के चांसेस कम है। इसलिए आपको क्या करना है, ये हमेशा ये बेंड करना है डेवलपमेंट लेंथ जितनी है। तो आप जिस फॉर्मूले से भी डेवलपमेंट लेंथ निकालते हो, पाई डी और जिससे भी, उस हिसाब से आपको ये डिजाइन करना जरूरी है, उतनी ही कटिंग लेंथ आपको ये लेना जरूरी है। दिस इज द डेवलपिंग लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ जिसको आप बोलते हो। ये देखिए लास्ट है, इसलिए आपको ये बेंड करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम आउटर तो भी बेंड कीजिए, डायरेक्ट प्लेस मत कीजिए।